इसराइल और हमास के बीच युद्ध अब लगातार और आक्रामक होता जा रहा है। इस बीच इसराइल का खौफनाक गुस्सा देखने को मिला। दरअसल इसराइल ने सीरिया के दमिश्क और अलेप्पो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर एक साथ भीषण हवाई हमला कर दिया है। इन हमलों में ईरान से आए हथियारों को निशाना बनाए जाने का अंदेशा जताया जा रहा है। माना जा रहा है कि इजरायली हमले के बाद इन दोनों ही हवाई अड्डों पर सभी सर्विसेज बंद कर दी गई है। हालांकि जैसे ही ये खबरें खुलकर सामने आई, वैसे ही इजरायली सेना ने दमिश्क और अलेप्पो हवाई अड्डों पर हमले की पुष्टि की। आज तक पर छपी खबर के मुताबिक स्थानीय मीडिया चैनल शाम FM का कहना है कि सीरिया सेना ने इन दोनों हमलों को लेकर जवाबी कार्रवाई भी करनी शुरू कर दी है। ऐसा कहा जा रहा है कि अलेप्पो एयरपोर्ट पर इसराइल के हमले के नुकसान हुए हैं, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ है। इसराइल और हमास के बीच भीषण युद्ध लगातार जारी है। भीषण जंग के कारण अब तक 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबरें सामने आ चुकी है। लगातार गोलीबारी दोनों तरफ से की जा रही है। जहां इसराइल की ओर से हमास पर लगातार हजारों टन बम गिराए जा रहे हैं, तो वही हमास की ओर से भी जवाब में रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। ताजा अपडेट्स के मुताबिक इसराइल ने गाजा पर 3,000 टन से ज्यादा बम गिराए हैं। अब तक दोनों तरफ से 3,000 से ज्यादा नागरिक और सैनिकों की जान जा चुकी है। इस बीच इसराइल ने दावा किया है कि उसने हमास से गाजा बॉर्डर के कुछ क्षेत्रों से कंट्रोल वापस ले लिया है। बता दें कि हमास द्वारा 6 अक्टूबर को इसराइल पर किए गए हमले को इस देश के 75 साल के इतिहास का सबसे भीषण हमला माना जा रहा है। बता दें कि 6 अक्टूबर की सुबह इसराइल पर हमास ने 5,000 से भी ज्यादा रॉकेट दाग दिए थे, जिसके बाद इसराइल में चीख पुकार मच गई थी। इधर हमास के हमले से इसराइल में मरने वालों की संख्या अब तक 1,000 के पार पहुंच गई है, जबकि गाजा में अब तक 1,100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की जानकारी सामने आई है। हालांकि कुछ समय पहले ही इसराइल के ऊर्जा मंत्री की ओर से एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये साफ किया है कि उन्होंने एक बयान में कहा है कि गाजा को मानवीय सहायता नहीं दी जाएगी, कोई बिजली का स्विच चालू नहीं किया जाएगा, कोई पानी का नल नहीं खोला जाएगा, और जब तक इजरायली बंधकों की घर वापसी नहीं हो जाती तब तक कोई ईंधन भी नहीं भेजा जाएगा। बीते शनिवार को हमास के आतंकी इसराइल में घुसने के साथ साथ अपने साथ 150 के आसपास के लोगों को बंधक बनाकर ले गए थे। बंधक बनाए गए लोगों में इजरायली नागरिकों के साथ साथ कई विदेशी नागरिक भी शामिल है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।